गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है 2024 की लेटेस्ट प्लैटिना 100 कम्फर्टेक। आज की इस वीडियो में हम जो है इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आया हूँ आपका ईशान्य बजाज पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये बाइक प्रोवाइड करी है, मैं आप तक जो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे के लुक से। तो आगे आपको मिलता है LED लाइट का DRL कुछ इस तरीके से, उसके नीचे आपको हेलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको फाइबर का मडगार्ड देखने को मिलेगा। तो आप क्वालिटी की आवाज़ से सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। ये आपका जो है ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब बेस वाले आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलेंगे। और अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो 17 इंच का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। एंटी स्किड ब्रेकिंग आपको यहाँ देखने को मिल जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर उसके बाद बात करी जाए तो दोनों तरफ आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। आते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ देखेंगे तो 200 mm का यहाँ पे आपको जो है मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आपको देखने को मिलेंगे। साइड स्टैंड में आपका जो है किल स्विच वाला फीचर देखने को मिलेगा। गियरिंग पैटर्न की बात करें तो 4 गियर आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं। अगर मैं इसके इंजन की बात की पावर की बात करूँ तो 102 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। उसके बाद अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो यहाँ पे इसमें मिलने वाली है 7.79 PS की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं OBD2 पोर्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए इसके वेट की तो यहाँ पे आपके इस गाड़ी का वेट देखने को मिलने वाला है आपका 117 किलो, 117 kg जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ ना इसकी सैडल हाइट की तो 807 mm यहाँ पे आपको जो है इसकी सैडल हाइट देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके हम यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे पीछे के पिलियन के लिए आपको एक इस तरह का रबराइज का फुटपैक देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड विद सारी गार्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। डुअल कॉइल कवर वाले यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है आपके एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो राइड है बहुत ही कम्फर्टेबल राइड आपको देखने को मिलेगी। चेन कवर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्रॉपर चेन कवर आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद इसके साथ आपको यहाँ पे जो है चेन एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पीछे के टायर साइज़ की अगर बात करें तो पीछे का टायर आपको देखने को मिलेगा कितने इंच का, 17 इंच का ही टायर देखने को मिल रहा है। उसके बाद साइज नहीं लिखा है, 3 नंबर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है, मेरे को तो जो लग रहा है 90 का होगा या 100 का होगा, इस तरीके से यहाँ पे इसका साइज रहना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जो टायर की कंपनी मिल रही है वो मिल रहा है आपके यूरोग्रिप के आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 100 कम्फर्टेक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। गोल्डन का यहाँ पे कुछ पाइपिंग देखने को मिलेगी आपको सीट कवर पे। उसके बाद अगर बात करूँ मैं यहाँ पे पीछे की तरफ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के पीछे के लुक्स रहने वाले हैं। हेलोजन सारा ही चीज़ आपको हेलोजन की देखने को मिलेगी। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, मडगार्ड की बात करी जाए तो कुछ अच्छी सी क्वालिटी का यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2024 लिखा हुआ है, थोड़ा सा फेडेड है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। 2024 साल हमारा लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है। ड्रम ब्रेक्स पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एग्जॉस्ट की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम का उस पर गार्ड देखने को मिल जाएगा। ड्रम ब्रेक्स विद चेन एडजस्टमेंट आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। किक स्टार्ट का यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाता है। आपको जो है पीछे के ब्रेक के लिए पैड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से फुटपैक पे भी पैड अच्छे ग्रिप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर पहले क्या होता था, यहाँ पे बजाज लिखा है, यहाँ पे बजाज की जगह DTSI लिखा होता था, उधर बजाज लिखा होता था, यहाँ पे DTSI लिखा होता था। अब यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल स्पार्क प्लग ही देखने को मिलेगा। E20 OBD2 कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 OBD2 यानी कि 102 cc का इंजन है। अगर फ्यूल टैंक के साइज़ की बात करें तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ ऑफर किया गया है। E20 फ्यूल का स्टीकर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर सीट के कंफर्ट की बात करी जाए तो बहुत ही चौड़ी कंफर्टेबल सीट है, देखिए कितनी चौड़ी सीट है। ठीक है, पीछे की तरफ भी देखेंगे अच्छी चौड़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ प्रोवाइड करी गई है। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको हैंडल बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी बार एंड नहीं मिलेगा। क्लच की बात करें लाइटर साइड पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्विचेस की बात करूँ, हाई बीम लो बीम, उसके बाद इंडिकेटर के कंट्रोल्स, हॉर्न की बात करें सिंगल टोन हॉर्न आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद पास का स्विच आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन रहने वाला है। चाबी की बात करी जाए तो कुछ इस तरह की चाबी आपको यहाँ देखने को मिल जा रही है। पूरा ही एनालॉग सिस्टम रहने वाला है, कुछ भी डिजिटल नहीं है। न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन लाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करूँ आगे से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी DRL ऑन हो जाती है। जब मेन हेडलाइट ऑन होगी तो इस तरीके से वो डिम हो जाती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा फंक्शन काम करता है। अब एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, सिंगल टच स्टार्ट हो गई,
आराम से। इसके अंदर आपको जो है देख सकते हैं पेट्रोल की टीवी देखने को मिलेगी, EFI आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको यहाँ पे टीवी देखने को मिल जा रही है। फ्यूल पंप अभी नहीं आया इसके अंदर। अब सुनिएगा आवाज़ सुनिए बात इसकी। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट नोट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब कैसी लगी आवाज़ आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं इसकी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी एक शोरूम कॉस्ट है 69,000 रुपीज़। मोटा मोटी इसको हम मान लेते हैं 70,000 रुपये जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑनरोड कॉस्ट की बात करूँ तो अभी मैं आया हूँ आपका ईशान्य बजाज पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये बाइक प्रोवाइड करी और अब तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑनरोड कॉस्ट करती है आपकी 88,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे इसकी ऑनरोड कॉस्ट है पुणे में महाराष्ट्र में। तो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी बाइक, मैं वो कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।